अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भाई डॉक्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद मार्वल के अंदर यानी अपने एमसीयू के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या कहें सीक्रेट वॉर्स कंफर्म हो चुकी है। वैसे कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन तो डॉक्टर डूम था, बट भाई मार्वल के अंदर अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है डॉक्टर डूम। बट हाँ, अब मुझे कन्फर्मेशन पता चली है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगी मार्वल की, जिसका मेन विलन कोई और होगा। कौन होगा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाई कॉमिक्स के अंदर था डॉक्टर डूम मेन विलन, बट भाई मार्वल के अंदर चेंजेस होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले इसे पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है भाई कि हमारा कैंग द कॉन्करर मेन विलन होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का, जो होगा सिर्फ या सीक्रेट वॉर्स जो भी उसका नाम हो। लेकिन केविन फाइगी ने कन्फर्म किया है कि भाई वो अब एवेंजर्स की मूवी नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है ये सीक्रेट वॉर्स हो, इसका नाम एवेंजर्स नहीं होगा, तो हो सकता है इसका नाम सिर्फ सीक्रेट वॉर्स हो और इसका मेन विलन होगा कैंग द कॉन्करर। हाँ, सीक्रेट वॉर्स वाले इवेंट होंगे, तो जाकर सीक्रेट वॉर्स वाली कॉमिक पढ़ लो, उसके इवेंट होंगे तो जाकर आप देख लो। वो इवेंट का मेन विलन होता है डॉक्टर डूम, बट मूवी के अंदर यानी मार्वल के अंदर होगा उसका मेन विलन कैंग द कॉन्करर। जी हाँ गाइस, कैंग द कॉन्करर वो डॉक्टर डूम के प्लेस में होगा, यानी डॉक्टर डूम की जगह होगा। स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत ही मजा आएगा हमें भाई, क्योंकि डॉक्टर्स इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एंड क्रेडिट्स ने कंफर्म कर ही दिया था भाई कि अब तो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स होंगे। आई थिंक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो होगी वो आई थिंक ये दो या तीन पार्ट में होगी, एक पार्ट में नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स होंगे जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थे, वैसे ही आई थिंक ये दो पार्ट में होगी या फिर तीन पार्ट में होगी। भाई आपको पता चल चुका हो भाई कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या उसका है सिर्फ सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होगा कैंग द कॉन्करर। वैसे अब हमें कैंग द कॉन्करर तो देखने को मिलेगा एंड मैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो एंड मैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का रिलीज डेट चेंज हो चुका है, जो जानने के लिए आप जाकर ये वाली वीडियो देख लेना जो अभी वीडियो एंड में भी शो हो जाएगी। देन भाई यही थी आज की छोटी सी अपडेट। देन भाई आज एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसका रिव्यू तो हो सकता है हम करें, बट आपको मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन की और मूवीज़ का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, यानी 2002 से लेकर 2021 तक। तो वो सब मिस नहीं करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर सेट कर दो। देन भाई आज की छोटी सी अपडेट यही थी। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर सेट कर दो। देन भाई मिलते हैं आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।